यदि आप किसी भी प्रकार के डाटा MS-SS में टाइप करते हैं और उसमें आपको भाग देना होता है, मतलब डिवाइड करना होता है, जस्ट लाइक यदि किसी भी आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं या दे रहे हैं उसमें क्या होता है, आपको जो क्वांटिटी कितना वो लिखा हुआ है और टोटल लिखा हुआ है और उस जगह पे आपको जो रेट ऑफ इस प्रोडक्ट निकालना है, तो किस प्रकार से निकाला जाता है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं सुजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि MS-SS जो MS-SS होता है उसमें किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, ये पूरी प्रक्रिया को हम लोग जानेंगे। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। हाँ, और यदि चैनल पे आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन बोर्ड पे। कंप्यूटर स्क्रीन बोर्ड पे आने के बाद आपको क्या करना है, विंडोज प्लस आर प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है MS-SS। MS-SS टाइप करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब ओपन होने के बाद कि यह ब्लैंक डाटाबेस, इस पर क्लिक करके और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। अब इस प्रकार से मेरे पास आ गया, बट इसमें हम नहीं करेंगे, ठीक। यहाँ इसके लिए हम लोग यहाँ व्यू पे आ गया, फिर से आएंगे डिजाइन व्यू पे और एक टेबल ले लेते हैं, ठीक। एक टेबल लेने के बाद इसमें हमको लिखना है पहले, जैसे कि क्या प्रोडक्ट है, कितना क्वांटिटी है और कितना बोले तो टोटल रुपया है उसका, ठीक। तो जैसे हमको यहाँ पे फील्ड नेम में है तो यहाँ पे हम आईडी है, या यहाँ पे आप सीरियल नंबर भी दे सकते हैं, आईडी भी दे सकते हैं। चलिए हम दे देते हैं SR नंबर और यहाँ पे ऑटो, बोले तो जब एक दो लिखाएगा तो ऑटोमेटिक लिखाते चला आएगा, तो यहाँ पे ऑटो हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, टैब मारिए या एंटर मारिए, नीचे आ जाइए, फिर जाके यहाँ पे आपको जैसे प्रोडक्ट नेम, क्या प्रोडक्ट है उसको देना है, तो यहाँ पे हम देंगे प्रोडक्ट नेम, ठीक। यहाँ पे क्या दे देंगे, प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम हो गया। उसके बाद फिर ये देखिए टेक्स्ट, प्रोडक्ट नेम में टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट दे दिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी कितना है जो दे देंगे, QUT सीधे दे सकते हैं, QTY, ठीक, नहीं तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी, ठीक, आपको जो लिखना है लिख सकते हैं, हम QTY लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे टोटल लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं रेट ऑफ ईच प्रोडक्ट, रेट ऑफ ईच प्रोडक्ट लिख दिए। इसका टेक्स्ट यहाँ भी टेक्स्ट रहेगा। अब ये जो लिख दिए, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ व्यू में आएंगे और व्यू में आने के बाद यहाँ डाटा सीट व्यू है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके कर दिया। अब देखिए इस प्रकार से डाटा एंट्री करने के लिए आपके पास आ गया। अब मेन डाटा एंट्री आपका यहीं पे होगा, तो यहाँ पे जैसे सीरियल नंबर टैब मार देना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कीबोर्ड हो गया, ठीक। क्वान्टिटी कितना पीस है, तो बाय द वे 45 पीस है, ठीक, 45 पीस हो गया। इसका रेट हो गया 4500, ठीक। रेट ऑफ इस प्रोडक्ट तो हमको निकालना ही है तो छोड़ देते हैं। इसी प्रकार दूसरा हो गया माउस, ठीक, माउस हो गया, ये हो गया 60 पीस और इसका हो गया जो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 9000, चलिए ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार से मॉनिटर हो गया और मॉनिटर हम दे देते हैं 55 पीस और इसका दे देते हैं टोटल 55000, चलिए दे दिए। और उसके बाद फिर से हो गया लैपटॉप, ठीक, लैपटॉप हो गया और ये हो गया 86 और इसका हो गया 9 लाख, ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें देखिए यहाँ पे कर्सर है, ठीक, और इसके बाद फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए क्रिएट पे आ जाना है, क्रिएट पे ध्यान रखिए, ये क्रिएट पे आइए। उसके बाद क्यूरी डिजाइन पे आ जाइए, क्यूरी डिजाइन पे आने का टेबल फर्स्ट, यहाँ से टेबल फर्स्ट को क्यूरी कर रहे हैं तो टेबल फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। टेबल फर्स्ट होने के बाद इसको हम क्लोज कर दिए हैं, यहाँ से चले आए, यहाँ से सीरियल नंबर दे देते हैं। उसके बाद जो जो रखना है, किसी को हम स्किप करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें हम दे देते हैं प्रोडक्ट हो ही गया, क्वान्टिटी हो गया और उसके बाद टोटल हो गया, उसके बाद फिर रेट ऑफ इस प्रोडक्ट हो गया, इस प्रकार से हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, रेट ऑफ इस प्रोडक्ट में साइड में देखिए ये रहने देना है, ठीक, यहाँ से ये है जो रहने देना है, यहाँ तक ये, यहाँ इस साइड में देख लेते हैं
और यहाँ पे आके साइड में ले आना, ताकि न भी रहेगा फिर भी चलेगा, बट यहाँ पे साइड में दे देते हैं। उसके बाद एक कॉलोन का सिंबल देना है, स्पेस दे देना है, और स्पेस देने के बाद अब फॉर्मूला लगाना है। ठीक, ब्रैकेट में आपको लिखना है, क्या लिखना है, टोटल में क्वांटिटी से भाग देंगे तब ना रेट ऑफ इच प्रोडक्ट आएगा, तो यहाँ लिखेंगे टोटल, ठीक, और बड़ी ब्रैकेट है जो बंद, पी के बगल में आपको दिया गया है। उसके बाद भागा का सिंबल दे देंगे, ठीक है, और उसके बाद क्वांटिटी से भाग देना है, इसको भी क्या है बड़ी ब्रैकेट में लिख देना है क्वांटिटी, और उसके बाद फिर इसको भी बंद कर देना है। और बंद करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रन, रन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे क्लिक कर दिए, और यहाँ पे अभी तो कुछ देख रहे हैं, कुछ मिस्टेक हो गया शायद, ठीक है। यहाँ पे इनवैलिड, यहाँ पे ये हो चुका है इनवैलिड, यहाँ पे हमको यह है, यहाँ पे मध्यम जो मिडिल ब्रैकेट है वो दिया गया, इसीलिए ये नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना है हमको, यहाँ से फिर से इसको सही कर देना है। तो सही करने के लिए हम यहाँ पर चले आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद इसको जो मध्यम बड़ी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, और फिर से यहाँ से रन कर देंगे। अब इस प्रकार से आ गया, जैसे यहाँ कीबोर्ड हो गया, क्वांटिटी हो गया, 45 हो गया, टोटल हो गया, इतना हो गया, उसके बाद रेट ऑफ इच प्रोडक्ट, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो हेल्पफुल हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।